जब मैंने बिग बॉस शो साइन किया था उसके पहले कुछ वक्त था जब मेरे पास इतना ज्यादा काम नहीं था। जब मैंने बिग बॉस उस दौरान मैं अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारी, पीस ऑफ माइंड चैनल, अपने राजयोग सेंटर, मेडिटेशन बहुत ज्यादा करने लगा है। अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारी और अपने राजयोग सेंटर क्लास में और इन चैनल्स में ज्यादा करने लगा। एक बात मैंने बहुत बार सुनी थी और कि आप जब भी कोई कार्य शुरू करें क्लास में तो हमेशा परमात्मा की आज्ञा लें, मैंने बहुत बार सुनी थी, उनका आशीर्वाद लें और उनसे कहें कि वो आपका मार्गदर्शन करें और वो आपके साथ रहें। परमात्मा की आज्ञा लें। और बिग बॉस एक ऐसा शो था जिसमें मार्गदर्शन करें और वो आपके साथ रहें। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जो आप रेगुलर लाइफ में फेस नहीं करते हैं। और क्योंकि आप अपने फैमिली से दूर रहते हैं, और मेरे लिए फैमिली से दूर रहना बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं जिंदगी में कभी अपनी फैमिली से दूर नहीं रहा हूँ। और तो मेरे लिए सारी सिचुएशंस बहुत ही टफ थी। जब मैं बिग बॉस के घर पे गया तो मैंने परमेश्वर से आज्ञा ली, उनका आशीर्वाद लिया और मैंने कहा कि आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे और आप मेरे साथ रहेंगे। तो मैंने परमेश्वर से आज्ञा ली और ठीक वैसे ही हुआ कि परिस्थितियां तो बहुत आई कि आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे। बहुत बार सिचुएशन ऐसी हुई जब मुझे लग रहा था कि परिस्थितियां तो बहुत आई, चीजें बहुत अब बस हाथ से निकल रही हैं, बहुत बार माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, लेकिन क्योंकि मैं घर के अंदर रहकर भी काफी मेडिटेट करता था और एक इनर स्ट्रेंथ मुझे मिली और उस स्ट्रेंथ के वजह से इन सारी प्रॉब्लम्स को मैं आसानी से टैकल कर पाता था। और जब मेरा माइंड सेट थोड़ा नेगेटिव हो जाता था तो मेडिटेट करके पॉजिटिविटी मेरे अंदर आ जाती थी, एक इनर स्ट्रेंथ आ जाती थी जहां मुझे लगता था कि नहीं ठीक है, आई कैन टेक दिस एंड मूव फॉरवर्ड। और ऐसी चीजें चलती रही और फॉर्चुनेटली उसका एंड भी अच्छा हुआ। अब जब मैं क्लास में था तो ये बात हमेशा कही गई थी कि जब आप परमात्मा को अपने साथ लेकर चलते हैं, उनके आज्ञा से कोई काम शुरू करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर वक्त आपको सफलता ही मिले। ऐसा हो सकता है कि आप कभी असफल भी हो, लेकिन क्योंकि परमात्मा आपके साथ हैं और उनकी स्ट्रेंथ आपके साथ है और आप मेडिटेट करते हैं, उनकी वाइब्रेशंस आपके साथ हैं, तो आपके पास एक इनर स्ट्रेंथ आती है कि आप जब चीजें आपके साथ नहीं भी हो रही हैं तब भी एक स्ट्रेंथ से आप मूव फॉरवर्ड करते हैं, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ रहते हैं। और वही मेरे साथ हुआ एंड मैं इसका पूरा श्रेय परमात्मा को देता हूँ, मेडिटेशन को देता हूँ कि मुझे वो वक्त मिला अपने साथ परमात्मा के साथ, उनकी वाइब्रेशंस कि मैं स्ट्रॉन्ग हो पाया। एक और चीज हम हर वक्त सोचते हैं कि हम कुछ ऐसा करें जिससे परमात्मा खुश हो, या हम कैसे परमात्मा को खुश कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी चीज मैंने सुनी थी क्लास में, वो ये कि आप खुश कर सकते हैं जो जब मेडिटेट करते हैं तो जो आप सोचते हैं कि वो वाइब्रेशंस आपके अंदर आ रही हैं, तो वो वाइब्रेशंस आज पूरी पृथ्वी को भेजें, हर एक इंसान को भेजें वो वाइब्रेशंस, और ये बहुत बड़ी सेवा है। तो वो वाइब्रेशंस आज और पूरी पृथ्वी को भेजें, इससे बहुत आपको आनंद भी मिलता है। और ये और मैं चाहूंगा कि आप सब ये कोशिश करें और आप सब ये ट्राई करें और आप खुद महसूस करेंगे दैट आपकी सोच बहुत पॉजिटिव हो जाती है, आप खुद में बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं और लोग आपके पास खुद सोच बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, खींचते हैं, खुद में बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। तो और ये था मेरा छोटा सा अनुभव जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ये चीजें अपनी लाइफ में लाए एंड मेक दिस प्लेस अ बेटर प्लेस अपनी लाइफ।